भाई साहब साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ, एक ग्रुप फोटो कर लेते सर यहां पर अंदर बोल रहा हूं मैं। अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव देखिए अरे ये ऐसे करना है क्या? हाँ हाँ बताए नहीं जी जी सर फोटो के लिए दे दूँ यहाँ पे। अच्छा है, अभी सब लोग यहाँ से देखो। वो एक सिंगल अपकल। हाँ हाँ सर यहाँ देखिए, परफेक्ट मैन ओके मैम, थैंक्स मैम। चलो थोड़ा हाँ 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 डेढ़ लाख का दुल्हा जो ये फिल्म है, डेढ़ लाख का दुल्हा ये बिल्कुल ही मनोरंजक फिल्म है, हंसाती है, गुदगुदाती है और पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, साफ सुथरी फिल्म है। अभी थोड़ी देर में फिल्म शुरू होगी, इसका प्रीमियर शुरू होगा और आप सबका स्वागत है। इस फिल्म को देखिए, भरपूर आनंद लीजिए। इसके हमारे डायरेक्टर जो हैं अभय प्रताप सिंह और इस फिल्म के जो नायक हैं ध्रुव छेड़ा, अभी हम लोग और हमारी प्रोड्यूसर जो है यही है मैडम जी। एक्चुअली क्या है कि चैलेंज की बात अगर करें तो चैलेंज जो है बड़ा तो था ही, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर पहली बार आ रहा था। बट क्या वो थोड़ा जहाँ पे आसान हुआ है वो क्योंकि मैंने लिखा भी मैंने ही है स्टोरी, तो लिखा था तो मुझे प्लॉट पता था कैसे करेक्टराइजेशन करना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा इजी हुआ है। और रही बात सर्कस की और जो फिल्में आई हैं, तो मुझे आज की ऑडियंस के बारे में जितनी जानकारी है मुझे ये पता है कि आज का जो हीरो होता है वो कॉन्टेंट होता है, तो मेरा कॉन्टेंट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि चाहे कोई भी फिल्म आएगी मेरी फिल्मों की सराहा जाएगा। और आप लोग जनता जनार्दन कब किसको स्टार बना दे कोई नहीं जानता है। ध्रुव ये होते नहीं कि वो डायरेक्टर एक्टर नहीं होते, ये डायरेक्टर के एक्टर है। मैं जो बोलता था और उसको मैं बोलता था इतना करना है, ये पूरा सुनने के बाद सिर्फ वही करना है, चाहे बीच में कोई आकर अलग से कुछ बोलने लगे या बताने लगे, लेकिन इनको पता है कि डायरेक्टर ने लिखा भी है तो इन्होंने सोचा है इस किरदार को उसी तरह से करना है। तो ध्रुव नो डाउट बहुत मेहनत किया है और मैं अगर आप लोगों को बताऊँ आप लोग शॉक्ड होंगे, ये सारी तैयारी 20 दिन के अंदर हुई है, आप समझ रहे ना। 20 दिन में मैंने पूरा जो जो चीज़ें हो सका करवाया और इन्होंने बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया। और ये होते नहीं कि एक बोलते नहीं कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट की तरह ध्रुव ने बहुत बढ़िया से किया है। तो अभी एक्साइटमेंट बहुत है और नर्वसमेंट ऑफकोर्स है, क्योंकि फर्स्ट डेब्यू फिल्म है और एक ड्रीम होता है किसी का कि किसी का मूवी ऐसे रिलीज़ हो और इतने अच्छे लेवल पर रिलीज़ हो, तो काफ़ी नर्वसनेस है और ऐसा हो गया कि ड्रीम कम ट्रू हो गया। और काफ़ी मेहनत की है मैंने और मुझे
अभय जी ने काफ़ी गाइड किया, काफ़ी सपोर्ट किया फुल जर्नी में। और वाइल्ड जर्नी में ही मेरे, जैसे मेरे पिक्चर में पिताजी अखिलेंद्र जी, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है मूवी में। हर स्टेप में कुछ ना कुछ कुछ समझाना हो कैसा करना है, वो मुझे गाइड करते आए हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू हूँ मैं जया 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 छेड़ा का, जो मेरी माँ के समान है, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है, जो जिन्होंने मुझ में बिलीव किया है। तो मैं काफ़ी लकी हूँ कि ये मेरी जो ड्रीम है ये पूरी हो रही है। पहले तो आप सबका शुक्रिया, नमस्ते, जो आप यहाँ पर आए हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है पर नर्वसनेस सबसे ज़्यादा है। जैसे सर्कस अभी आई, लोगों को अच्छी नहीं लगी उनकी स्टोरी, जैसे कि पहले देखी हुई अंगूर फिल्म तो अच्छी नहीं लगी, तो हमको भी थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है कि हमारी स्टोरी कैसी लगेगी। लेकिन मैं आप सब दर्शकों से कहूँगी कि हमारी स्टोरी खूब डिफरेंट है, आप एक बार आइए देखिए और आप खुद आशीर्वाद दीजिए नए कलाकारों को। अभय जी है जो पहले से करते हैं, और ये अखिलेश मिश्रा, अखिलेंद्र मिश्रा जो रावण जो पहले से ही है, हुए इनकी तो तारीफ ही नहीं कर सकती। हाँ, ध्रुव नए कलाकार है, तो आप सब ध्रुव के लिए भगवान को मैं प्रार्थना करूंगी कि सब दर्शकों को पसंद आए और आप सब एक बार मूवी देखें, बस वही मेरी इच्छा है। नहीं, बिल्कुल, एक कहानी का जो नरेशन है, अगर कहानी अच्छी है तो चाहे कितना भी सिंपल ढंग से नरेट किया जाए, वो कहानी प्रस्तुत होती है और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। चूँकि 1.5 लाख का दुल्हा जो है, ये कहानी ओरिजिनल है, ये किसी का रीमेक नहीं है, कहीं से उठाया हुआ नहीं है। तो जो वास्तविक कहानी है, जो ओरिजिनल कहानी है, वो कहानी प्रस्तुत की जा रही है। अभय ने खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, और इन्होंने सारे एक्टर्स को इकट्ठा किया और फिर उस तरह से एक मूड में पूरी फिल्म वन शेड्यूल बना है, तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और चूँकि इनकी पहली फिल्म है, पहला प्रयास है, आप लोग देखेंगे, हमारे दर्शक देखेंगे, सराहेंगे, तो और कमाल होगा। ध्रुव की पहली फिल्म है और मैंने भी साथ में काम किया है, तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओरिजिनल फिल्म है, लोग इसका आनंद उठाएंगे, और साफ सुथरी फिल्म है, कोई अश्लीलता, कोई गाली ग्लौज नहीं है, कोई डबल मीनिंग नहीं है। अभय जी, जी, जैसे बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि क्या यूएसपी होगी फिल्म की, अब फिल्म रिलीज होने वाली है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि क्यों देखनी चाहिए? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि इंटरटेन करने के लिए हमने ना वल्गर वर्ड यूज किए हैं, ना उस तरह के सीन परोसे हैं कि लोग अट्रैक्ट हो के, ऐसा ऐसा है जो देखना आजकल OTT पे चल रहा है। हमारी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है, यूनिवर्सल है, बच्चे बूढ़े जवान बहु बेटियां सब देख सकते हैं और एक साथ बैठ कर देख सकते हैं। आज के जनरेशन में जहां पर अलग अलग तरीके की फिल्में आ रही हैं, मैं साफ सुथरी फिल्म लाने का प्रयास किया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है, होप करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप सब आइए मूवी देखने के लिए, आपको काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। इसमें काफ़ी ड्रामा है, इसमें कॉमेडी है, और ये पूरे कंप्लीट पैकेज मूवी है जिसमें आपको थोड़ा रोमांस भी मिलता है और एक्शन भी देखने मिलता है। तो ये मूवी मेरे ख्याल से जितने नौजवान हैं काफ़ी एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ रिलेट कर पाएंगे अपने आप से कि मेरी भी कुछ कहानी ऐसे ही है, मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, और मेरे पिताजी के साथ भी मेरी कुछ रिलेशन की बॉन्डिंग ऐसी है। तो लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा ये मूवी देख कर। धन्यवाद, बहुत 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 शुभकामनाएं। फिल्म हिट जाएगी और ये अच्छी पिक्चर लग रही है, इसकी स्टोरी आजकल ऐसी स्टोरी बनती नहीं है, ऐसी सामाजिक जो पिक्चर बननी चाहिए ऐसी। बस लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप आइए और ध्रुव को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उसकी पहली फिल्म है, और बस अच्छे नंबर चाहिए सब लोग, और आशीर्वाद दीजिए और उसकी फिल्म खूब चले और खूब आगे बढ़े। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? ध्रुव ने ये मूवी के लिए बहुत मेहनत की है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सब
सब आइए और इसको बहुत ही प्यार दीजिए। मैं ध्रुव को बस ऑल द बेस्ट कहूँगी, मेरा रॉक स्टार और सुपरस्टार ब्रदर खूब आगे आए और उसके लिए बेस्ट विशेस। और ये बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म, फैमिली फिल्म है, तो आप सब आइए और आपके ब्लेसिंग्स और लव दीजिए। थैंक यू।